लेकिन इतने उतवाले मत होइए, माँ बहन की गाली आप प्रशासन के सामने दे रहे हैं। सभी क्रांतिकारी साथियों को जय पासी समाज, जय संविधान, जय भीम, जय भारत। आप लोग देख रहे होंगे कि आज 11 तारीख से अर्जुन पासी के मैटर को लेकर के कुछ लोग हैं जो शनाप अनाप सब बक रहे हैं समाज को। मैं उनसे बताना चाहता हूं कि इतिहास उठा करके देख लेना मेरे भाई, आप बेनी माधव सिंह को बचाने वाले बीरा पासी थे। महाराजा डालदेव पासी का इतिहास है डलमऊ में, महाराजा माहे पासी का इतिहास है रायबरेली में, रोहनिया में। नेतृत्व किया जा रहा है, जो संघ कई संगठनों के भाई नेतृत्व कर रहे थे अर्जुन पासी को न्याय दिलाने के लिए रायबरेली कार्यालय में, तो उनको धमकियां मिल रही हैं, प्रशासन के सामने धमकियां दी जा रही हैं कि उनको जहां मिलेंगे जहां मारेंगे। अरे आप लोग दाल रोटी खा रहे हैं तो हम लोग मिट्टी नहीं खा रहे हैं। हम लोग भी आपको बताना चाहता हूँ कि आप पनीर और यही छोला भटूरे में रह जाते होंगे, वो चीज़ खाता है कि इतिहास गवाह है कि वो चीज़ हम लोग खाते हैं कि जिसमें पासी समाज के अंदर एक हड्डी ज़्यादा होती है और पासी समाज एक मार्शल कौम है। आप लोगों से मैं फिर विनम्र निवेदन करता हूँ, चाहे किसी भी संगठन से हो, चाहे स्वर्ण आर्मी हो, करनी सेना हो, संगठन का विरोध नहीं हम लोगों का, लेकिन अगर कुछ उसके चंद लोगों ने अगर समाज को उकसाने का काम किया, समाज को गाली देने का, सर्व समाज को गाली देने का काम किया, जान लीजिए ऐसा इतिहास लिखा जाएगा कि आप लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग मेरे भाई हैं, आप लोग मेरे परिवार से हैं। मैं खुद कहता हूँ कि जो उचित होगा, जांच का विषय है, प्रशासन लगा हुआ है, आपका भी सहयोग प्रशासन कर रहा है, मेरे समाज का भी प्रशासन सहयोग कर रहा है, कुछ समय दीजिए। लेकिन इतने उतवाले मत होइए कि समाज को माँ बहन की गाली आप प्रशासन के सामने दे रहे हैं। तो आपसे फिर मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि समाज को ललकारने का काम मत करिए मेरे मित्रों। पासी वो मार्शल कौम है, झुकना जानती भी है और झुकाना भी जानती है। तो आप लोगों से समाज मेरा, पासी समाज का इतिहास है कि पासी समाज से हम लोग हैं, जन्म लिए हैं, हम लोग मरने से नहीं डरते हैं, हम लोग मान और सम्मान की बात है 1857 की क्रांति में। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी है। आपके महापुरुषों ने तो क्या किया है उसमें हमको बताने में भी शर्म आती है, तो मैं बताना उचित नहीं समझता हूँ। तो आप लोगों से मैं विनम्र करता हूँ, आप मेरे भाई हैं, मेरे परिवार से हैं, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि पासी समाज को छेड़ने का काम मत करना मेरे मित्रों। कोई कहता मैं दिवंगत भीमराज को मार डालूंगा, कोई कहता देशराज पासी को मार डालूंगा, कोई कहता युगेश पासी को मार डालूंगा, कोई कहता सूरज पासी को मार डालूंगा, कोई कहता अनुज पासी को मारूंगा, कोई कहता है अनोद पासी को मारूंगा। अरे कितने पासियों को मारोगे मेरे भाई? जो आप कह रहे हो कि गोलियों से मारेंगे, तो गोली कितने लोगों को मारोगे आप मेरे भाई? छह ही गोली तो होंगे आपकी पिस्टल में, आप लोगों ने लाइसेंसी करा रखा है तो छह ही गोली तो होंगी, छह ही लोगों को तो मारोगे। तो भैया ऐसे कोई भड़काऊ भाषण मत दीजिए, हम लोग शांति व्यवस्था बना के रखे हैं और अपने समाज को भी समझा रहे हैं कि रायबरेली पुलिस आपके साथ भी खड़ी है और मेरे साथ भी खड़ी है, हमारे अर्जुन पासी के परिवार के साथ भी खड़ी है।
तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे कोई भड़काऊ पोस्ट ना करें और समाज को मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक देश राजपासी मारा जाएगा तो सैकड़ों देश राजपासी पैदा होंगे रायबरेली में, एक दिवेंद्र भीमराज मारा जाएगा तो सैकड़ों दिवेंद्र भीमराज तैयार होंगे। और आप लोग वही बात करते हैं, पुरानी कहावत है हमारे बुजुर्गों की कि जो कुत्ता काटता वो जो भूखता है वो काटता नहीं है। तो आप लोग शांति बना के रखिए, हम लोग भी शांति बना के रखे हैं, अपने समाज से भी हम कहते हैं कि ऐसी कोई पोस्ट ना डालें, ऐसी कोई भड़काऊ बात ना करें, शांति व्यवस्था बना के रखें और हम लोग अर्जुन पासी को न्याय दिलाने के लिए तैयार हैं, उसके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं कि रायबरेली में देश राज पासी अकेला नहीं है, रायबरेली में हजारों देश राज पासी पैदा हैं और पूरे समाज को, पूरे उत्तर प्रदेश को अब जरूरत है। आप एक होइए, पासी एक का मोर्चा बन चुका है, पासी एक का मोर्चा को एक ऐसी ताकत दीजिए, एक ऐसा इतिहास लिखिए कि आने वाला समय आपको बता दें, ऐसा कुछ लिख के जाइए। शुरुआत और क्रांति हो चुकी है पूरे उत्तर प्रदेश में, आप लोग तैयार हो जाइए, उत्तर प्रदेश में अपना विधायक और संसद बनाने का काम करें। सीख चाहिए, सीख लेनी चाहिए हम लोगों को कि आपके जो है भीम आर्मी के संगठन से चंद्रशेखर से सीख लेनी चाहिए। हम लोग संविधान प्रसन्न लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, लेकिन अगर किसी ने चैलेंज दिया, अगर किसी ने हमारे बहन और बेटियों के साथ इज्जत से खिलवाड़ करने का काम किया तो उत्तर प्रदेश में वो इतिहास लिखा जाएगा कि आने वाली 7 पीढ़ियां याद करेंगी। और भी आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग उत्तर प्रदेश में एक ऐसी पासी एक का मोर्चा का एक संगठन बनाइए जिससे आप लोग आए और एक उत्तर प्रदेश में एक इको गार्डन में एक ऐसा महासंग्राम की एक महापंचायत रखी जाए पासी एक का मोर्चा के बीच में, जिसमें सभी लोग आए और उत्तर प्रदेश के जाए किसी भी संगठन से हो और पासी एक का मोर्चा में शामिल होने का काम करें। और भी जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि आप लोग घबराने का काम ना करें। पुरानी कहावत है कि आपको बता दे, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। और आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बहुत से ऐसे जगह आपको जाना पड़ेगा जहाँ पे अपने मान और सम्मान और हक और अधिकार की लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा। अभी सूरजवासी भी लाइव आए थे, सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि समाज को उत्तर प्रदेश में आप एक नया इतिहास लिखने का काम करें। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ पासियों का किला नहीं है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग एक दूसरे का सहयोग करें। अगर घर में किसी से मनमुटाव हो जाए, परिवार में हो, नात रिश्तेदारी में हो, तो आप उसको भूल करके, लेकिन आज की डेट में आप लोग पूरे सर्व समाज के बैनर तरह और आप लोग एक एकता दिखाइए और जिससे रायबरेली में एक नया इतिहास लिखा जाए, अर्जुन पासी को न्याय मिले। हम लोग लखनऊ में लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर के उत्तर प्रदेश का एक महा आंदोलन होगा जिसमें रायबरेली और लखीमपुर खीरी के घटनाओं को लेकर के सामाजिक चर्चा की जाएगी। और आप लोग शांति व्यवस्था बना के रखे, जितने भी हमारे छोटे भाई हैं जोश में आ जाते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जोश में मत आइए। अगर सामने वाला गाली देता है तो हमको गाली नहीं देना है, हमको संयम से काम करना है,
नहीं फर्जी मुकदमे लिख जाएंगे, तो ऐसा कोई काम हम लोगों को करना नहीं है। और समाज के लोग एक दूसरे को समझाने का काम करें, जिससे समाज में एक नई क्रांति आएगी, एक नया इतिहास लिखा जाएगा। शिक्षा पे और आप लोग ध्यान दीजिए, और वकीलों की एक टीम ऐसी तैयार करिए जिससे हम लोगों को एक नई बुद्धिजीवी टीम मिले, जिससे हम लोग एक आगे बढ़ने का काम करें। आपको बताना चाहता हूँ, अब हम लोगों को धमकियाँ मिलना चालू हो गई हैं, और धमकियाँ वही लोग दे रहे हैं। आप लोग खुद समझ सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। वो लोगों की हिम्मत नहीं है कि सामने से वार करें, लेकिन वो लोग पीठ पे वार कभी भी कर सकते हैं। तो आप लोग हम लोगों का साथ इसी तरह बराबर देते रहिए। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग हम लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिला के आप चलेंगे। जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं, बहन बेटियों को अंग्रेजों से बचाने वाली कौम है, आपके परिवार को बचाने वाली पासी समाज की कौम है, मार्शल कौम है। इतिहास है कि जब अंग्रेज लोग आए थे तो पासी समाज लोगों ने 1857 में एक नया क्रांति लाई थी। कोई राणा बेनी माधव जी को बचाने वाला नहीं था, तो बचाया था तो हमारा महाबली बीरा पासी ने राणा बेनी माधव जी की जान बचाई थी और जेल से छुड़ाने का काम किया था। तो आप लोग इतिहास मत भूलिए। महाराजा ढाल देव पासी हैं। आपको बता दूं, नदी के सहारे से अंग्रेज लोग आए थे और उनके ऊपर हमला किया था होली वाले दिन, लेकिन एक मिशन ऐसा हुआ था, एक इतिहास लिखा था कि सर कट गया था, लेकिन तब भी सर लड़ाई करता रहा शरीर उनका। 3 महीना 13 दिन गाजर का युद्ध चला, उसमें महाराजा बिजली पासी, लाखन पासी, सातन पासी, इन लोगों ने एक नया इतिहास लिखा है। आप लोग जौनपुर में हैं तो जौनपुर में अपनी ग्राम सभा मजबूत रखिए, जौनपुर मजबूत रखिए। अगर पासी समाज के ऊपर कहीं अत्याचार होता है तो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार रहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक, आपका नेता, देश राज पासी, आपका शुभचिंतक रायबरेली से, अगर देश राज पासी को अगर कुछ हो गया, पासी समाज को उकसाने का काम ना करें। सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग भी, पासी समाज के लोग भी संयम बना के रखें, भड़काऊ पोस्ट ना डालें, भड़काऊ कोई रील ना बनाएं। मैं दोनों लोगों से कहता हूँ, जहाँ वो पासी बिरादरी के लोग हों, जहाँ ठाकुर बिरादरी के लोग हों, एक दूसरे का उकसाने का काम ना करें। और पासी समाज का इतिहास आप लोग खुद जानते हैं, और इस तरह के जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और आप लोग, हम लोग आपके साथ हैं, और आप लोग न्याय दिलाने का काम करें अर्जुन पासी को, परिवार को। और जो समाज के कुछ, चाहे वो सपा के हो, कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, जो फोटो खिंचाने का काम करते हैं, संसद विधायक लोग, आज तक परिवार को, अभी इतने लोग गए हैं, आज तक कोई 5,000-10,000 आर्थिक मदद नहीं दिलवा पाए। मुझे बोलने में भी शर्माता है, क्योंकि अपने समाज से हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग आगे के लिए सोच लीजिए कि हम लोगों का सम्मान 2027 में कैसे करेंगे लोग समाज के।